इग्नू का बायोग्राफी बल्ब। पतझड़ में पढ़ना अच्छा होता है। तो ये बताओ कि अब तक सबने क्या पढ़ा? नोबिता, तुमने तो कोई बुक जरूर पढ़ी होगी, है ना? हाँ सर, ओशीशी मास्क और डॉक्टर बसुवारु डेंजरस शीशा और ये सब कॉमिक्स है ना? उन्होंने हमसे सिर्फ पढ़ने के लिए कहा था, उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहा था। तुम ही बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? ये तो बहुत ही गलत बात है नोबिता। बुक पढ़ना तो अच्छी बात होती है। तुमने भी बहुत सारी बुक्स खरीदी है लेकिन एक भी पढ़ी नहीं। इसे पढ़ो। अच्छा सुनो, इस तरह की बुक अपने हाथों में लेते ही वो भारी लगने लगती है। इनके पेज पलटते ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। कुछ देर पढ़ने के बाद मुझे चक्कर से आने लगते हैं। ये तो एक पेज पूरा करने से पहले ही सो जाता है। फिर तुम ही कुछ मेरे लिए करो ना डोरेमोन। मैं ही कुछ करता हूँ। बायोग्राफी बल्ब, बुक को मुझे दो। चलो बढ़िया है, अब इसे खोल कर देखो। आप कौन हैं? मेरा नाम है आइज़ैक न्यूटन। गैजेट की मदद से तुम सीधे इंसान से ही बात कर सकते हो। तुम्हें बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन इनकी मदद से तुम अपनी रिपोर्ट जरूर लिख सकते हो नोबिता। इससे सवाल पूछो, चलो। ठीक है, आप क्या करते हैं अंकल? ये सच में बहुत ही अलग किस्सा है। जब मैं एप्पल ट्री के नीचे बैठा था तो अचानक से समझ आएगा कि बुक पढ़ना मजेदार होता है। डोरेमोन, नोबिता कमरे में है क्या? उससे कहना कि बाद में गार्डन में गिरे हुए पत्ते साफ कर दे। फिक्र मत कीजिए, मैं कर देता हूँ मॉम। नोबिता आराम से पढ़ाई में ध्यान लगा सकेगा। इंजन पर हंस रहा है ये। अरे नोबिता, क्या हुआ? तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया? हाँ हो गया। देखो, न्यूटन अंकल वो है जिन्हें एप्पल्स बहुत पसंद थे। बस इतना ही लिखा। पर डोरेमोन, वो एप्पल के बारे में ही बात किए जा रहे थे। सुनो नोबिता, आइज़ैक न्यूटन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा और फिर चीजों में ग्रेविटेशन की खोज की। कहना? चलो फिर से लिखो। क्या? मैं तो एक दूसरी बुक लेकर आया। मैडम क्यों नहीं ठीक रहेगी? उन्हें क्यूकम्बर पसंद था। शायद ये वाली ठीक रहेगी। ये एडिसन है, खोज के राजा। लेकिन इनके पास बल्ब क्यों है? क्योंकि इसका आविष्कार मैंने किया था। नोबिता, नीचे का बल्ब खराब हो गया है, तुम खरीद कर ला सकते हो। बल्ब चाहिए? हाँ ये सही रहेगा, ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ना? अरे ये तुम उनसे क्या करवा रहे हो नोबिता? कोई और बुक निकालनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो ये गैजेट सब बायोग्राफी लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो डोरेमोन, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर आता हूँ। मैं जा रहा हूँ। अच्छे से होमवर्क करना नोबिता, समझ कर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी बुक रिपोर्ट कैसे लिखूं। तुमने जो भी बुक्स पढ़ी है उसके बारे में लिख दो ना। जैसे कि मैं थक गया हूँ और मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें बुक के बारे में लिखना है। नोबिता जी, आन और सुनियो, मुझे शिजुका के पास से बुक चाहिए थी लेकिन वो घर पर नहीं है। बुक लेकर भी तुम कौन सा पढ़ने वाले हो? से पढ़ूंगा नहीं पर सुनूंगा। अच्छा, इसकी मदद से हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। अब ये कोशिश करो। कौन सी बुक? ये पिकासो है, महान पेंटर। पेंटर? अरे ये कैसी पेंटिंग है? हाँ।
हमें अपने टीचर को चौंकाना है, तो प्लीज हमें अपनी पूरी कहानी बताइए ना जरा। पहले मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। आपका नाम पिकासो नहीं है? पूरा नाम है हाँ। पाब्लो डिएगो। पाब्लो डिएगो। होसे फ्रांसिस्को डे पोला। Juan de Mucho, de María, de Lord Remedios, de la Santísima, Trinidad, Luis, Yanni, Picasso. 5 लाइन का इनका नाम लिख दिया। इस तरह से तो पेपर भरना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये बहुत हुआ। ये कोशिश करते हैं। ये फ्रांस के मशहूर हीरो ने नामुमकिन शब्द सिर्फ बेकार लोगों की डिक्शनरी में मिलता है। सही कहा। क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? तो बताइए, क्या आप मूंगफली खा सकते हो? क्या आप अपने पेट में पानी उबाल सकते हो? नहीं, आपके लिए तो सब मुमकिन है ना। क्या आप अपने मुंह में मुट्ठी डाल सकते हो? नेपोलियन, इनके लिए तो सब नामुमकिन है। अब ये देखते हैं। ये बीथोवन है। क्या बीथोवन? ये लंच बॉक्स है। बीथोवन मशहूर गीतकार है ये। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उनका मशहूर गाना है टेस्टी। वो फेट है। खाने के बारे में मत सोचो जरा। सुनिए अंकल, प्लीज हमें कोई फेट वाला गाना सुनाइए। देखा, इसे खाने का क्या लेना देना है? नहीं, इसे सुनने के बाद मुझे खाना याद आने लगता है। सच में? मैं गाता हूँ। सफेद चावल, आलू बुखार, हरी सब्जी, लाल टमाटर, ताजी भिंडी, स्वादिष्ट गाजर, खा के देखो स्वादिष्ट है ये। जल्दी से बाजार जाओ, सब्जियां लेकर आओ, जाकर फिर खाना बनाओ और मुझे भी खिलाओ। प्लीज रुक जाओ जियान। सुनियो के घर पर तो एक भी बुक काम की नहीं है। अरे हाँ, डेकी सुगी के पास बहुत अच्छे बुक्स हैं, वो उससे मांगते हैं। सही कहा, उसी से मांग लो जरा। हाय, अच्छा तो तुम सब यहाँ इससे बुक मांगने आए हो? तुम भी यहाँ बुक्स मांगने आई हो? डेकी सुगी को पढ़ना बहुत पसंद है, ये जरूर तुम्हें एक अच्छी बुक देगा। कितनी सारी है? तो जियांग के लिए ये बुक कैसी रहेगी? ये मुसाशी मियामोटो है, जो सामुराई थे, जो कभी भी कोई मुकाबला नहीं हारे। मुझे ताकतवर लोग बहुत ज्यादा पसंद है। सुनो, तुम मुझे कोई अपनी बुक दे सकते हो? ये गुआन यू है, जो आर्मी में काम करते थे। इनकी ये खासियत थी कि ये अकेले 10,000 सैनिकों से लड़ सकते थे। तो ताकतवर कौन था, ये या मुसाशी? ये अलग अलग समय के हीरोज हैं नोबिता। ओ अच्छा। तो मेरी बात सुनो। देखा? हाँ ये ठीक रहेगा। बहुत अच्छे। देखी सुगी, ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें बहुत सारी बायोग्राफी बल्क चाहिए? डोरेमोन मेरे पास रिपोर्ट लिखने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस इंग्रीज मिरर के साथ ये लो। शुक्रिया। मुझे इसकी फिक्र हो रही है, मैं भी इसके साथ जाता हूँ। अरे चलो चलो चलो, मजा आएगा। हमारी किताब लाई है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन था? इस तरफ है तलवारबाज मिसाशी मियामोटो। ये देखो, उनका समय था 1600 में। उन्होंने दो तलवारों से एक साथ लड़ने का अच्छा तरीका निकाला था। तो इस तरफ है जो आर्मी में काम करते थे, गुआन यू। ठीक है, उनका समय 200 में था। उनकी तलवार सबसे बड़ी तेज थी और वो स्वभाव से बहुत
बहुत ही ईमानदार थे। अच्छे से करना। अरे नहीं, देखो मुकाबला कराने वाला है। आजकल रोज हमारी दुनिया में आती है नोबिता। क्या कहा, रोज? हाँ, और आजकल उसका बर्ताव भी बहुत अजीब हो गया है। क्या करूँ? मैं जाकर उसे देखता हूँ। हे जैकू, सुनो। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मुझे थोड़ा काम है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या काम है। मैं ये नहीं बता सकती, ये सीक्रेट है। क्या कहा, सीक्रेट है? सही कहा। लगता है वो लोग यही है।
हाँ तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो। तुम तो तारीफ ही किए जा रहे हो। हाँ हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अच्छे हो, हमारी दोस्ती भी तो थी। मुझे भी तुमसे दोस्ती करने का बहुत मन था, सच में। क्या ये सच है? तुमने कुछ कहा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। एक बार दोबारा बोल के तो दिखाओ। नहीं ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मेरी बात नहीं मानते तो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लो। फिर से मैं क्यों जाऊं? चले। चलो अंदर चलते हैं। बस भी करो सुनियो। माफ करना। हम लोग तो सच ही कह रहे हैं जायको। डोरेमोन। क्या बात है जियान? मुझे लगता है डोरेमोन, जायको और सुनियो, डोरेमी और सुनेकी जी अच्छे दोस्त हैं। ये हमें पता नहीं था। मैं जायको का भाई हूँ और ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी। क्या? लेकिन मैं अच्छा चलो ठीक है। डोरेमोन सुन रहे हो ना, हमारी बहनें कितनी खुश हैं और इतना बड़ा भाई होने के नाते हमें उनकी खुशी से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुमने सही कहा। क्या हम दोस्ती तोड़ रहे हैं? शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है। अरे दीपा, अरे ये क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जायको को रुलाने की? तुमने मेरी बहन को रुलाया। ये सब क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अभी समझाता हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, हम दोनों चाहते हैं आप रुक जाओ। क्या तुम एनिमेशन बना रहे हो? हम मेरी कॉमिक रेनबो वायलेटा पर एक एनिमेशन बना रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है और मैं उसी में इन सब की मदद कर रही थी। अगर ऐसा है तो उस प्यारी सी दोस्ती का आखिर क्या होगा? और जो तुम बात कर रहे थे अलग होने के बारे में, और तुम रो रही थी, उसका क्या? अरे वो सब तो डबिंग थी, हम एनिमेशन कैरेक्टर्स के लिए डबिंग कर रहे थे। जो तुमने सुने वो डायलॉग थे। ऐसा मत कहो, हम अलग नहीं हो सकते। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। टमाटर भी तो खरीदने हैं मुझको। अब मैं ये दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। नहीं, तुमने सब खराब कर दिया। हाँ हमारा काम बस होने ही वाला था। हम इसके पूरा होने तक तुमसे ये सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि हम बाद में तुम्हें सरप्राइज करें, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। हमारी ये मशीन तो टूट गई, अब हम एनिमेशन नहीं बना सकते। अच्छा तो ये लो। अरे वाह थैंक यू चीफ। ये क्या बोल रहे हो, क्या हम दोनों अलग हो रहे हैं? हाँ हाँ हम अलग हो रहे हैं। नहीं नहीं तुम ऐसा मत कहो, ऐसा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अलग होना ही होगा। डबिंग का काम हम पर छोड़ दो प्लीज, तुम लोग ये नहीं कर पाओगे। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, सही कहा। मेरी